वालेकुम, मैं संगीतकार दिलीप सेन आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सबसे लाडले चहेते सुपर स्टारों के स्टार सिंगर ललित अग्रवाल जी का आज एल्बम रिलीज हुआ है राधे राधे, जिसको करण जी ने लिखा भी है और उसको कंपोज भी किया है, और विमल जी और हम लोगों ने और पप्पू जी ने डांस डायरेक्शन दिया है, और बबलू जी ने और उनकी मिसेज ने इसको डायरेक्शन दिया है। मैं समझ रहा हूँ कि अब तक मैंने जितना भी काम किया या लोगों के दूसरे वीडियो वगैरह देखे, ये उन सब से हटके हुआ है और बहुत ही प्यारा बना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आज का जो ज़माना चल रहा है उसमें इस तरीके का भजन अभी तक नहीं आया है, और ये दावे से कह सकता हूँ कि हर घर में ये कंपलसरी बजेगा। राधे राधे जपोगे जो हर काम में, तेरा जीवन अधूरा संवर जाएगा। तो राधे राधे, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे ललित जी कुछ बोले या विमल जी पहले बोले। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ जाएगा। ललित जी मेरे छोटे भाई हैं, जो मैं दिलीप जी को आते साथ रहा था। ये हम लोग कितने लकी हैं, मुंह थोड़ा नीचे रहा, कि एक बहुत बड़े बाप की कल्पना करके ललित जी आए हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई कि भाई जब बात की प्लानिंग हो गई तो बात का जो पहला पौधा था, मतलब पहला गाना जो अभी रिलीज नहीं हुआ होने वाला है, हम लोग फिर ऐसे ही बैठेंगे एक बार, वो उसमें उस बात को लगाने में सबसे ज़्यादा मेहनत ललित जी का प्रोत्साहन, अपने दिलीप सेन जी, नवाब आरजू जी और मैं थे। हम लोगों ने काम किया, उसके बाद अचानक एक दिन मुझे गाना सुनाया दिलीप, अपना ललित भाई मेरे छोटे ने, कि विमल जी एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने किसने किया है? स्क्रैच था, करण भाई। मैं मिला नहीं था करण भाई जी से, लेकिन उनका जब गाना सुना तो मैंने, ये ट्यून इतनी कैची है और स्पेशली मुखड़ा, कि इसको तो आप प्लीज़ गो है। और देखिए, हर गाने का अपना एक भाग्य होता है, हर चीज़ का अपना एक भाग्य होता है। राधे राधे का भाग्य ऐसा था कि हम लोगों ने चार गाने ऑलरेडी पिक्चराइज कर चुके हैं, लेकिन इस गाने का भाग्य ये था कि सबसे पहले इसने रिलीज हुआ, और जेड सीरीज की, जो मैं चाहता हूँ, जो किसी मेरे दोस्त ने कहा भी कि जेड सीरीज वैसे ही बने जैसे टी सीरीज है। और मैं, दिली तमन्ना है मेरी कि इस गाने के साथ ही झंडे गाड़े जाएं, ताकि हमारे लिए जो आने वाले हमारे गाने तीन चार हैं वो एक आसान से हो जाएंगे, क्योंकि एक सड़क ये बना देगा गाना। आई एम 100% श्योर इसके पीछे की जो मेहनत है, करण के अलावा पप्पू खन्ना जी की है, बबलू जी की है, इनके आर्ट डायरेक्टर की है, इनके कैमरामैन की है, मैं सबको श्रेय दूंगा कि इन्होंने दिल से मेहनत करके इतना अच्छा गाना बनाया है। ईश्वर करे ये बहुत सक्सेसफुल हो, घर घर बजे, और इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं होगी कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। ललित जी, आज है ललित जी, ललित जी जी, मतलब कितना एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर यहाँ देखिए कैमरे, कैसा लग रहा सर आज म्यूजिक वीडियो राधे राधे चैनल? ये आज मेरा पहला गाना रिलीज हो रहा है, मेरी जो आवाज़ में बड़ी खुशी हो रही है मेरे को, इसको गा करके, इसको सबको सुना करके बहुत खुशी हो रही है मेरे को। बस इनका मौन रहना ही समझिए कि बहुत कुछ बोल दिए। मैं कुछ बीच में बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। ललित जी यकीन करते हैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज में, 6 लाइनों के बदले एक वर्ड में कमिंग, गोइंग, रीचिंग, रीच, आप समझ जाइए कम शब्दों में, बाकी आप देखिए टेलीग्राफिक लैंग्वेज। ये बहुत अच्छा पप्पू जी। हाँ ललित जी, एक गाना आपका, एक वर्ड गा के आपके आवाज राधे राधे लाइव लाइव एक बार लाइव। राधे राधे जपोगे जो हर काम में, तेरा जीवन ये पूरा संवर जाएगा। थैंक यू, बहुत वेरी नाइस पप्पू जी। सबसे बड़ी बात ललित जी, ललित जी एक मिनट, आप बोलिए। ललित सर आपने एक्टिंग भी की है, सिंगर तो हुई है,
कैसा अनुभव रहा वो? एक्टिंग का मेरा पहला था ये, और वो पप्पू जी की मेहरबानी है जो इतनी मेहनत करा के मेरी एक्टिंग करवा दी थोड़ी बहुत। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। आगे प्लान है मतलब? बिल्कुल 100% है और रहेगा। पप्पू जी, मैं तो खुश नसीब हूँ, लक्की हूँ जो ललित जी मिले, विमल जी मिले, दिलीप जी मिले, आते ही एक साथ हुआ, एक टीम बनी, कोई नई टीम बनी। तो ललित जी के वजह से, उनके आने से कम 100 लोगों का घर चलेगा। आज एक नहीं, 2 एल्बम, 3 एल्बम ये कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो हमारा हमेशा उनके साथ, हमेशा राधे राधे आपके साथ है, हम भी आप लोग के साथ हैं, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम लोग हैं। थैंक यू। हाँ, और काफ़ी हमारे गाने अभी रिलीज होने वाले हैं, 3-4 गाने और तैयार हो चुके हैं, उसके बाद लाइन से आएंगे सब। आप ये सोचिए, जब मैं बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ गाने ही बने होंगे। ये अलग बात है कि जब हम लोगों ने म्यूज़िक कंपनी खोलने से पहले मैंने खुद ललित जी से कहा था कि इसमें सिर्फ एक दिलीप सेन से नहीं चलेगा, दिलीप सेन समीर सेन से नहीं चलेगा, एक विमल जी से नहीं चलेगा, इसमें तुम आपको म्यूज़िक कंपनी प्रॉपर बनानी है, इसमें अलग अलग संगीतकार, अलग अलग लोग चाहिएंगे। तो ये पहला एल्बम हुआ, बाकी अभी जो आएंगे वो हम लोगों के आएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं भी दे दूं। गाने की जो शुरुआत हमने की थी, रिकॉर्डिंग एंड पिक्चराइजेशन, वो एक शराब और शबाब के साथ, लेकिन क्योंकि राधे राधे भगवान का नंबर है, भजन है, इसलिए हमने शुरुआत इससे की। इसके बाद आपको हर रंग मिलेगा, 9 के 9 रस आपको हमारे गानों में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। करण जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गाना इसलिए इतना मीठा, इतना सुंदर बना क्योंकि ललित जी की आवाज़ ही बहुत मीठी है। रिहर्सल से लेकर, रिकॉर्डिंग से लेकर, और सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से क्रोमा पे जो काम किया, उस वक्त ऐसी चिलचिलाती धूप थी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था किसी भी एक्टर के लिए। अगर हमारे टेलीविज़न या फिल्म का एक्टर होता तो कहता कि नहीं, और आप ये मान लीजिए कि खुद प्रोड्यूसर हैं, लेकिन इनको ये लगा कि नहीं, अगर डायरेक्टर को लग रहा है कि इसी हिसाब से हमें शूटिंग करनी है, इन्होंने उफ तक नहीं की, रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ललित जी, रूपाली और हमारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझा और हमने पूरी मेहनत की, और बस आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये गाना राधे राधे एक सुपरहिट गाना बनेगा। बस सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू ललित जी। बस हम ललित जी के हाथ हमारे सर पे हमेशा इसी तरह से बना रहे, बस यही हम मेरी मनोकामना है। चलिए आरती जी, आप बताइए, आपने गाना सुना, आपने भी जी, मैं तो ललित जी को, बबलू जी को, पप्पू जी को, पूरी टीम को, आप सर, आपको बहुत बहुत, आपको भी मैडम, आपने, आप सारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही सुंदर गाना है और भजन सबको अच्छे लगते हैं और सबकी दिन की शुरुआत भजन से होती है। तो मुझे ललित जी की आवाज़, आपकी आवाज़ मुझे बहुत मधुर लगी। अनूप जी मेरी फैमिली है, आप सबको पता है अनूप जी के भजन, और अनूप जी हमारे फैमिली में कितना उनका आशीर्वाद है। मेरे मुंह से निकलने वाला था कि अनूप जी को सुनते हैं लोग, आपको भी सुनेंगे। ये मैं अनूप जी का भी आदर करती हूँ, पर ललित जी आपने सचमुच में बहुत प्यारा गाना गाया, बहुत ही सुंदर गाना गाना है, और मैं कृष्ण की भक्त हूँ, और राधे राधे तो बस राधे राधे। थैंक यू। और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना राधे राधे, और ललित जी ऐसा लगता नहीं कि वो नए, ऐसा लगता है कि बहुत सीनियर पर्सन है, बहुत सारी फिल्मों में गाया, बहुत सारे एल्बम गाया, तो एक नए सिंगर की हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई एक तरीके से कहिए। करण जी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और यानी सब जितने भी लोग हैं जो परफॉर्मेंस, पप्पू खन्ना जी को बधाई देना चाहूँगा, बहुत बुरी आदमी है, और बबलू जो जिन्होंने इस एल्बम को डायरेक्ट किया है, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और हम सब की दुआएं हैं कि ऐसे लोग आए, बहुत सारे लोगों को काम मिले, इंडस्ट्री का काम चले। सर, आपका कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राधे राधे कहना चाहूँगा। ये भजन बहुत ही खूबसूरत, इसका वीडियो बबलू जी ने बनाया है, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा योगेंद्र जी का, जिनके थ्रू मैं ललित जी से मिला, तो ललित जी से मिलके तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस उम्र में भी वो कितनी मेहनत करते हैं, उनको देखकर हम लोगों को जोश मिलता है। तो यही चाहूँगा कि ये भजन बहुत अच्छा चले मार्केट में, और ललित जी बहुत ज़्यादा फेमस हों।
राधे राधे। ललित जी ने इतना खूबसूरत गाना बनाया है और गाया है राधे राधे। सबसे बड़ी चीज़ एज एन आर्टिस्ट, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और उनके बारे में कहना चाहूँगी, उनका पैशन, उनका जो पैशन है उसने हर चीज़ को निखार दिया और बहुत खूबसूरती से गाया है। बात ज़्यादा ना करके मुझे लगता है दो लाइन उन्हीं की गा दूँगी। राधे राधे जपोगे जो हर नाम में, तेरा जीवन ये पूरा संवर जाएगा। और इतनी खूबसूरती से करण जी ने इसे कंपोज किया है। आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन टीम है जिसने राधे राधे बनाया। अरे भैया मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।